तस्वीरें इसराइल के यरूशलेम की हैं, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन का ये दौरा तब हुआ है जब इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह से भयंकर युद्ध लड़ रहा है और उसने हमास चीफ याहिया सिनवार को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका में 5 नवंबर यानी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये युद्ध हर हाल में रोकना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ब्लिंकन को इसराइल भेजा है। खास बात यह है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एंटनी ब्लिंकन का ये 11वां दौरा है जब वो युद्ध विराम के लिए इसराइल पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल पहुंचने के बाद ब्लिंकन ने पहले पीएम नेतन्याहू और फिर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट से मुलाकात की। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि ब्लिंकन और नेतन्याहू की मुलाकात मानवीय सहायता, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और संघर्ष के बाद गाजा के शासन की योजनाओं पर आधारित थी। इजरायली बयान में भी इस मामले पर इसी तरह की भावना व्यक्त की गई है, जिसमें कहा गया कि नेतन्याहू ने 2.5 घंटे की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि सिनवार की मौत से अपहरणकर्ताओं की वापसी और युद्ध के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं 2.5 घंटे तक चली बातचीत के दौरान इसराइल ने बार बार सिनवार को समझौते के लिए प्रमुख बाधा बताया। इसराइली अधिकारियों ने कहा कि वह सीमित समझौते पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय के लिए युद्ध विराम के दौरान कई बंधकों को मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा वह एक बड़े समझौते पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके तहत लेबनान और गाजा में युद्ध समाप्त हो जाएगा और सभी बंधकों को मुक्त करा लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू के कार्यालय ने ब्लिंकन और पीएम नेतन्याहू की बैठक को बेहद खास बताया। प्रधानमंत्री और सचिव ने गाजा में युद्ध के बाद के चरण की योजनाओं पर भी चर्चा की। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इसराइल चुपचाप गाजा में हमास के नागरिक शासन को बदलने के तरीकों की खोज कर रहा है, जिसमें मानवीय सहायता वितरित करने के लिए विदेशी निजी सुरक्षा कंपनियों का भी उपयोग शामिल है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ब्लिंकन ने इस बात पर भी बल दिया कि इसराइल को गाजा में मानवीय सहायता के प्रभाव को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता गाजा में नागरिकों तक पहुंच सके। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान ब्लिंकन ने नेतन्याहू को चेतावनी भी दी, जिसे उन्होंने गंभीरता से भी लिया है। चेतावनी के मुताबिक ब्लिंकन ने गाजा में फिलिस्तीनियों को सहायता बढ़ाने की बात कही है, जिसे नेतन्याहू ने स्वीकार भी कर लिया है। अमेरिका ने यह चेतावनी तब दी है जब ऐसी खबरें सामने आई थी कि इसराइल उत्तरी गाजा की घेराबंदी कर रहा है और वहां जरूरी सामानों से भरे ट्रकों को जाने नहीं दे रहा है। इजरायली पीएम के साथ बैठक के दौरान ब्लिंकन ने हिजबुल्लाह द्वारा नेतन्याहू के हत्या के प्रयासों पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा भी बताया। नेतन्याहू ने ब्लिंकन को उनके रुख के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ड्रोन हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ब्लिंकन के इसराइल पहुंचने के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह ने मिडिल इसराइल में रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए थे, जिसे इजरायली सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।